Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. I am Shahista Zehra, your academic instructor. Welcome to apnateacher.com. Start kar rahe hain aaj se 9th SSC ke academics pe. First chapter hamara hai ethics, which means character building. Reading comprehension mein sabse pehla comprehension jo hamare paas hai, that is the last sermon of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Introductory paragraph is all about introduction. Thay kon? We know it very well. Prophet sallallahu alaihi wasallam is our last prophet. He was born in 571 AD in a Quraysh family in Makkah, Saudi Arabia. Sab jante hain the time when he was born, Quraysh family ke kya halat the? They used to worship their false god. Their false god, and which were their own created. खुद से बनाए गए फर्जी खुदाओं की पूजा करते थे. एंड एट दैट मोमेंट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मेड देम एक्सप्लेन कि जिनकी आप वर्शिप करते हो दे आर नॉट द रियल गॉड. देयर इज़ वन एंड ओनली गॉड, दैट इज़ अल्लाह. जो कुरैश को बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं था एंड दे ट्राइड देयर अपोजिशन, उन्होंने मुखालफत शुरू की. एंड दिस वॉज द रीज़न दैट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आस्क्ड हिज बिलीवर्स टू मूव टू यत्रिब. अब ये यत्रिब क्या है? यत्रिब इज़ द ओल्ड नेम ऑफ मदीना. देयर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन रिसीविंग सम पॉजिटिव सिग्नल्स फ्रॉम यत्रिब, जब उन्हें यत्रिब से कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स मिले, सो ही डिसाइडेड टू मूव टू यत्रिब. सो एट दैट मोमेंट इट्स ऑल अबाउट द माइग्रेशन. ही स्टार्टेड हिज माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू यत्रिब एंड इट वॉज 28th of June 622. दैट वॉज द मोमेंट वेन ही रीच्ड एट द बॉर्डर ऑफ यत्रिब. एंटर नहीं हुए थे, सिर्फ वहाँ पहुँचे थे. एंड दैट प्लेस वेयर ही स्टेड इज नोन एज कुबा. उस जगह को कहा गया कुबा, जहाँ उन्होंने एक मस्जिद बनवाई जहाँ वो इत्मीनान से अपनी इबादत कर सकें. ऑन 2nd July 622, जिस मौके पर वो यात्रा पे एंटर हुए, उस मौके को हिस्टोरिकल इवेंट्स में हिजरा का नाम दिया जाता है. दैट इज नोन एज द बिगनिंग ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, जहाँ से हमारे पास इस्लामिक कैलेंडर की इब्तिदा हुई. हिजरी कैलेंडर जिसको हम कहते हैं, दैट स्टार्टेड फ्रॉम 22nd of July 622 AD. सो द टाइम व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर्ड इन यत्रिब, उन्होंने देखा कि यहाँ चार डिफरेंट ग्रुप्स पाए जाते हैं. द फर्स्ट वन मुस्लिम, द सेकेंड वन पैगन्स. अब ये पैगन्स क्या होते हैं? पैगन्स आर दोस्त कि जो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते, किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते. बात करते हैं तीसरे उस ग्रुप की जिसको कहते हैं हाइपोक्राइट्स. हाइपोक्राइट्स आर द वंस हु आर नेमसेक मुस्लिम्स, नाम के मुस्लिम हैं, काम के नहीं. एंड द फोर्थ एंड द लास्ट ग्रुप विच वॉज देयर, दोज वर ज्यूज. ज्यूज वहाँ पर पाए जाते थे. अब इन चार ग्रुप्स का यत्रिब में एक साथ हम आहंगी से रहना, पीसफुली रहना, फॉर दैट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इन्वाइटेड ऑल द फेमस पर्सनैलिटीज और पॉपुलर सेलिब्रिटीज फ्राम दोज फोर ग्रुप्स. उन तमाम ग्रुप के मशहूर शख्सियात को एक जगह जमा किया, सो दे कैन डिस्कस कि एक ही प्लेस पे रहते हुए एक अमन पसंद माहौल कैसे कायम किया जा सकता है. एट दैट मोमेंट बात करते हैं चार्टर ऑफ मदीना की. एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमल में आया जो तारीख में चार्टर ऑफ मदीना के नाम से मशहूर हुआ. पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्टर ऑफ मदीना ज़रूर पूछा जाता है. सो फॉर दैट रीडिंग ज़रूर अपनी जारी रखिएगा. सो मूविंग अहेड टुवर्ड्स चार्टर ऑफ मदीना, जहाँ पर यह डिसाइड किया गया कि मुस्लिम और ज्यूस को कैसे कैसे राइट्स दिए जाएंगे इन केस कि अगर कोई डिस्प्यूट आता है. सो नो वन इज गोइंग टू रिजॉल्व इट एक्सेप्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सेटलमेंट के लिए किसी भी डिस्प्यूट का, किसी भी झगड़े का किसी और के पास लेकर जाना अमल में नहीं आएगा. दे विल बी कमिंग टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर द सेटलमेंट कि ये डिस्प्यूट है, इसको आपने रिजॉल्व करना है. बात करते हैं इस मौके पर जब सब यहाँ पर मुत्तफिक हो गए. जस्ट 10 years ऑफ दिस माइग्रेशन विच इज़ नोन एज हिजरा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हिज लास्ट हज, वेयर ही टॉट मुस्लिम्स हाउ टू परफॉर्म हज. हज कैसे अदा किया जाता है, क्या क्या अरकान हज होते हैं, उन सब की अदायगी का पूरा पूरा मरहला, पूरे पूरे अतवार जो हैं वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को वहाँ पर सिखाए. एंड एट दैट मोमेंट जहाँ पर ज़रूरी समझा गया, एक ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट अमल में आया जो तारीख में नाम इसका मशहूर होता है, द लास्ट सरमन ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.
इसके जो बुनियादी पॉइंट थे दे आर देयर ग्रेटिट्यूड टू अल्लाह. ही स्टार्टेड हिज सर्मन बाय प्रेजिंग अल्लाह कि सब तारीफें खुदा की हैं, उसके आगे किसी की ज़ात कोई मायने नहीं रखती, कोई हैसियत नहीं रखती. बात करते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की, दैट इज़ लॉयलिटी. दूसरों के साथ मुखलिस रहोगे अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट हर्टिंग अदर्स, नो वन कैन हर्ट यू. दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, खुद भी महफूज रहोगे. द थर्ड वन वॉज राइट्स ऑफ वुमेन. जहाँ पर हम बात करते हैं राइट्स ऑफ मैन की, देर इज़ नो डाउट फॉर श्योर मैन दे डू हैव राइट ओवर वुमेन्स, लेकिन औरतों के भी जो हुकूक हैं उनकी पाबंदी करने का हुक्म दिया गया. इसके बाद बात की जाती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जहाँ पर बात की जाती है एक मुआशरे की, गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है. एट दैट मोमेंट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लास्ट सर्मन में इस चीज़ को क्लैरिफाई किया, ज़कात की अदायगी को वाजिब करार दिया, और ऐसे मौके पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के खात्मे का जिक्र किया गया. और ये बात भी कही गई कि जो लोग उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं हैं उन तक ये पैगाम एज इट इज़ कन्वे किया जाए. आखिर में बात करते हैं सुपीरियॉरिटी की, एक ऐसी चीज़ कि मैं तुमसे बढ़तर हूँ या तुम किसी और से बढ़तर हो. सुपीरियॉरिटी इस चीज़ का खात्मा किया गया कि ना पैसे की बुनियाद पर ना ताकत की बुनियाद पर, नो वन इज़ सुपीरियर टू अदर्स. किसी अरब को किसी अजम पे फोकियत नहीं दी, इसी को आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया. नो अरब इज़ सुपीरियर दैन अ नॉन अरब एंड नॉन अरब इज़ नॉट सुपीरियर दैन एन अरब. यहाँ पर बात की गई तमाम बर्तरियाँ एक अहाते में रख दी गई, एक सराहने कर दी गई कि कोई सुपीरियर नहीं है, कोई बर्तर नहीं है सिवाय खुदा की ज़ात के. इस एक मौके पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही एड्रेस्ड मोर कि जो यहाँ पर मौजूद है वो इन तमाम मैसेजेस को आगे कन्वे करें, क्योंकि उन्होंने यहाँ अपनी हुज्जत तमाम की. उसे उन्हें जिस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा गया था उन्होंने उन तमाम मकासद का निचोड़ अपने लास्ट सर्मन में दे दिया. एंड ही आस्क्ड हिज बिलीवर्स कि इस पैगाम को आगे आने वाली नस्लों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आप पे है. एंड नाउ मूविंग अहेड टूवर्ड्स एक्सरसाइजेज, अगर हम एक्सरसाइजेज की बात करें, इन योर बुक द एक्सरसाइजेज आर क्वाइट सिंपल एंड ईजी. एक्सरसाइज नंबर वन की अगर हम बात करते हैं, एक्सरसाइज नंबर वन इज़ ऑल अबाउट मल्टीपल क्वेश्चंस. एमसीक्यूज की बात करें तो बहुत हलवा लगता है. एमसीक्यूज में अगर हम पहले एमसीक्यूज की बात करें सो इट्स ऑल अबाउट कि आपका ये पूरा चैप्टर है किसके बारे में. पूरी वीडियो सुनने के बाद देखने के बाद आप बखूबी इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. थर्ड में हम बात करते हैं कि बात की जा रही है कितने तरह के ग्रुप्स मौजूद थे. अभी हमने बात की कितने तरह के ग्रुप्स पाए जाते हैं. अब मैं इन चारों ग्रुप्स को दोबारा क्लैरिफाई नहीं करूंगी. जानना चाहते हैं तो या तो वीडियो गौर से देखें या तो दोबारा से बुक की तरफ रुजू करें. बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर टू. आपकी वोकैबुलरी एक्सरसाइज है, जितने भी वोकैबुलरी वर्ड्स हैं कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं. एट द बैक ऑफ योर बुक ग्लॉसरी इज़ देयर, 11 वोकैबुलरी वर्ड्स आपको एट द बैक ऑफ योर बुक ईजिली मिल जाएंगे विद देयर मीनिंग. बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर थ्री की. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी हैं जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी हैं. एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से एमसीक्यूज तो आ जाते हैं, लेकिन जब तक आपको डेट्स याद नहीं होंगी एमसीक्यूज भी ठीक से आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे. सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ कौन से सन में पैदा हुए, 571 AD में पैदा हुए. कौन सी सन में उन्होंने हिजरत की, विच इज़ नोन एज हिजरा, दैट इज़ 22nd of July 622. हज कौन हिजरे के कौन से सन में उन्होंने अदा किया, दैट वॉज 10th ऑफ हिजरे. एंड देन चार्टर ऑफ मदीना के कौन कौन से वो पॉइंट्स थे. ये पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बहुत ईजिली मार्क्स सिक्योर करवा सकेगा. चैप्टर नंबर वन के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.